कन्वर्जन. फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके पास नंबर है E5, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में. तो कैसे करोगे, E5 को लिख लो. अब इसे आपको 4-बिट बाइनरी में लिखना है, ठीक है. 4-बिट बाइनरी में लिख लो इन दोनों को अलग अलग. जैसे जैसे अब हेक्साडेसिमल में A को लिखते हैं हम 10, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15, ठीक है. ये हेक्साडेसिमल में हम ऐसे लिखते हैं. अब इनको आपको कन्वर्ट करना है 4-बिट बाइनरी में, ठीक है. तो 5 को कैसे कन्वर्ट करोगे, अकॉर्डिंग टू दिस आप कन्वर्ट कर लो. तो 0101 5 को ऐसे लिख सकते हो 4-बिट बाइनरी में. और E है आपका 14, तो 14 को कैसे लिखोगे, 1110, ठीक है. अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो, ठीक है. अब दोनों को कंबाइन करके लिखने के बाद राइट साइड से इसे 3-3 बिट में डिवाइड कर लो, ठीक है. अब इसे अलग से लिख लो. 10 हम आगे एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं. अब ये 3-बिट बाइनरी में आ गया. अब इसे आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है. तो 101 इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 5 के इक्वल है, ये 4 के और ये 3 के, ठीक है. अब इसे कंबाइन करके लिख दो 345. तो ये फाइनल आंसर आ गया, ये आपका ऑक्टल नंबर होगा, ठीक है. तो इस तरीके से आप हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है. थैंक यू.